So guys, अभी हम लोग आ चुके हैं IIIT दिल्ली और हमारे साथ कौन है यार, हरमन एंड संदीप। तो यार ये लोगों ने हमारा वीडियो देखा था एंड IIIT के ऊपर हम वीडियो बनाने की सोचे थे, मतलब इन्होंने हमें मैसेज करा कि क्यों ना एक IIIT के ऊपर वीडियो बनाया जाए, ठीक है। तो आज हम फाइनली IIIT आ चुके हैं और यार भाइयों का भी चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और काफ़ी अच्छी वीडियोज़ हैं, तो ज़रूर सपोर्ट करना। तो अभी तो यार हम लोग पहले कैंपस वगैरह शूट करेंगे, उसके बाद यार हॉस्टल्स के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताएंगे और IIIT एंड DTU के बारे में। IIIT वर्सेस DTU का भी काफी अच्छा कंपैरिजन वीडियो आने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखना यार और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वैसे कर ही दिया होगा यार, तुमने देख रहे हो तो। चलो यार स्टार्ट करते हैं, तो आगे की तरफ चलते हैं अभी, ठीक है। सो गाइस, मैंने बैग वगैरह भी हॉस्टल्स में रख दिया और सही बताऊं यार हॉस्टल इतने कमाल के है ना, आप अगर देखोगे ना हॉस्टल सही में काफ़ी अच्छे हॉस्टल्स हैं और वॉशरूम्स वगैरह और बिल्डिंग्स वगैरह बहुत अल्टीमेट है, मतलब DTU के कंपैरिजन में या किसी और भी कॉलेज के कंपैरिजन में 10 times अच्छी हैं। सो यार अभी हम मेन बिल्डिंग की तरफ आ चुके, तो यार कौन सी बिल्डिंग है वैसे? यार ये है सेमिनार बिल्डिंग, यहाँ पे होते हैं हमारे ज़्यादातर लेक्चर्स होते हैं, जैसे कि हमारा बैच स्ट्रेंथ जो है, बैच स्ट्रेंथ है वो अराउंड 400 वगैरह होता है, तो जब एक साथ सब बच्चों को पढ़ना होता है ना, जब एक साथ सारी क्लासेस लगती है, तो यहाँ पे काफ़ी सही सही सेमिनार्स हैं, सेमिनार हॉल्स हैं, तो वहाँ पे होता है। ओके, तो ये है सेमिनार हॉल और काफ़ी अच्छा बना रखा है, जैसे कि मैं दिखाता हूँ यार एक बार आपको बैक कैमरा से, बहुत अल्टीमेट बना रखा है। तो यार अभी हम लोग जा रहे हैं कहाँ पे? तो यार अभी हम भाई को दिखाने वाले हैं कि हमारी क्लासेस कहाँ पे होती है, जैसे फर्स्ट फ्लोर में हमारी क्लासेस होती है, फिर जो थर्ड फ्लोर है हमारा वहाँ पे लैब्स वगैरह है, कंप्यूटर लैब्स वगैरह, जहाँ पे हमें मतलब जो हमारी वीकली लैब्स होती है हम वहाँ पे वो देते हैं। ओके, तो पहले देखते हैं हम क्लासेस। हाँ क्लासेस। ओके, जो भी हमारी क्लासेस होती है, जैसे कि कोई सब्जेक्ट्स होते हैं जो काफी बच्चों में कॉमन होते हैं, जैसे कि 2-3 ब्रांचेस एक साथ जो पढ़ रहे होते हैं, तो काफी बड़े रूम की जरूरत पड़ती है, और जो प्रोफेसर होता है यहाँ पे वो यहाँ से लेक्चर देते हैं, और काफी मतलब यहाँ पे बैच स्ट्रेंथ अराउंड 400 लोग बैठ सकते हैं एक साथ। तो जब पहली बार देखा था यार यहाँ पे तो कैसा लगा था? मतलब यार बहुत अच्छा लगा था एक्चुअली, जब मैं दूसरे कॉलेज में था तो वहाँ पे जो लेक्चर हॉल्स थे मतलब वो बिल्कुल बेकार थे, फिर जब यहाँ पे मैं आया था फर्स्ट टाइम तो बहुत ही मस्त लगा था यार। Thank you.
सो गाइस अभी हम लोग एक जगह पर आ चुके हैं यार चिल वगैरह करने के लिए, और यार सही में काफ़ी अल्टीमेट बना रखा है, मतलब 5 स्टार से कम फीलिंग नहीं आ रही है वैसे तो। जानते हैं यार मतलब हरमन से और संदीप से यार ये कौन सी जगह है वैसे। तो यार बेसिकली ये एरिया मतलब वो चीज़ है जैसे कि जैसे प्रोजेक्ट मीटिंग हो रही है, कोई सब्जेक्ट होता है जहाँ पे ग्रुप में रह के काम करना होता है, तो यहाँ पे आके लोग डिस्कस करते हैं और कुछ ऑर्डर करा कॉफ़ी वगैरह वगैरह वगैरह, तो वो सारी चीज़ें हैं यार यहाँ काइंड ऑफ चिल करने का ये पूरा एरिया इतना हो रखा है बस। जैसे डे स्कॉलर्स वगैरह आते हैं तो है ना, तो कोई हॉस्टल वगैरह में तो जाते नहीं, यहाँ पे क्लासेस के बाद चिल करने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं, तो बस इसी के लिए बना आ जाएंगे। फिर इसके बाद अब हम जा रहे हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट ब्लॉक, ओके, और अभी हम हैं ओल्ड एकेडमिक बिल्डिंग में, ओके, अभी पूरा आगे भी दिखाते हैं आपको, स्पोर्ट्स ब्लॉक वगैरह भी है वो सब दिखाएंगे, ओके। सो गाइज अभी हम लोग हैं OIT पर, ठीक है, IIIT दिल्ली के, तो OIT दिखाता हूँ एक बार आप लोगों को। डिस्कशन रूम में वैसे, ठीक है, तो ये है डिस्कशन रूम, और यार जो मेरे को अच्छी बात लगी मतलब व्यू बहुत अल्टीमेट दे रखा है यहाँ से, मैं एक बार आपको दिखाता हूँ बैक कैमरा से, और वैसे एंट्री तो बैन है यहाँ पे मतलब हम लोगों के लिए, लेकिन फिर भी ओके ले शूट कर। थैंक यू गाइस यार आप लोगों ने काफी हेल्प करी है वीडियो शूट करने में, तो वो हमारे न्यू फ्रेंड है, उनका नाम है शान, शान पूरा नाम बताना यार एक बार, शाने वारिस, ओके। तो यार सबका इंस्टाग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जरूर फॉलो कर लेना सबको इंस्टाग्राम पर भी। तो गाइस फाइनली यार हम लोगों ने क्लासरूम वगैरह सारे कवर कर लिए हैं, तो अभी कुछ खाने की तरफ आते हैं। तो यार यहाँ पे मतलब कितने मेस वगैरह एंड फूड स्टॉल, अभी यार कुछ टाइम पहले मेस एक ही हुआ करती थी, बट अभी छह महीने पहले एक और मेस आ गई, तो टोटली 2 मेस हो गई हैं, जिसमें आपको खाना अच्छा लगे उसमें आप खा सकते हो। अच्छा मतलब मेस यही मतलब 2 फ्लोर्स बना दिए हैं। ओके, एंड वैसे कुछ जैसे आपने वो वाला पॉइंट दिखाया था मेरे को खाने वाने के लिए, ऐसे मतलब कैसे कि एक तो मेन कैंटीन है, ओके, ठीक है, एक शॉप मिल जाएगी आपको, 2 शॉप है एक्चुअली, एक मदर डेयरी है और एक नॉर्मल शॉप है जहाँ से आप कुछ भी खरीद सकते हो, जैसे स्टेशनरी हो गया और लेस वगैरह टाइप है ना, ओके, और यहाँ पे एक बिकानो है, ओके, एक बिकानो है एक जहाँ हमने शूट किया था, एक वो है और एक पीछे चाय पॉइंट और है, ओके, तो मतलब पूरे कैंपस में अलग अलग जगह पे इन्होंने जो है Okay. लगा रखे हैं ना, और यहाँ पे हाँ जूस कॉर्नर हो रहा है यहाँ पे एक, अच्छा, ठीक है, तो जूस वगैरह किसी को कैंटीन वो सब दिखा रहे थे। हाँ तो अच्छा तो अभी है ना आपको कैंटीन वगैरह दिखाते हैं, उसके बाद जिम की तरफ चलेंगे, तो चलते हैं। आ चुके हम लोग स्मार्ट लॉन्ड्री में, जो आपने देखा भी, ठीक है, तो यार बताना जरा इसके बारे में क्या है इसका सीन। यार ये बेसिकली मतलब कपड़े वगैरह धोने हो तो तुम्हें यहाँ पे वॉशिंग मशीन का पूरा सेटअप इन लोगों ने अरेंज कर रखा है, इसके लिए तुम्हें पहले एक ऐप डाउनलोड करनी होती है, टाइम सेट करना होता है और तुम्हें ऑन कर देना होता है,
तो बस ये प्रोसेस है, मतलब सारे काफ़ी जो है काफ़ी रीजनेबल प्राइस होती है इसमें, कुछ ज़्यादा महंगा भी नहीं है, ज़्यादा सस्ता भी नहीं है। और बस तुम यहाँ पे आओगे, अपने कपड़े डालो, अपना तुम्हें डिनर करने जाना है या कुछ भी करने जाना है वो करके आओ, अपने कपड़े ले जाओ, मतलब सारा इजी है, ऐप कंट्रोल्ड है सारा, है ना, सारा ऐप कंट्रोल, मतलब 30 रुपए में 40 मिनट अराउंड लेते हैं, अच्छे से साफ हो जाता है अपने, मतलब जितने भी कपड़े ले आओ और धो सकते हो, मतलब हफ्ते भर के कपड़े आप धो सकते हो यहाँ पे एक बार, है ना। तो ये सर काफी अच्छा है ये भी। वैसे अभी आगे की तरफ चलते हैं, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दिखाते हैं भी आपको, ओके, तो वहां मिलते हैं। जो एक चीज यहाँ पे है तो वो मेरे को काफी अच्छी लगी यार, स्विमिंग पूल, ठीक है, तो यार ये DTU में नहीं है मतलब, तो बैडमिंटन कोर्ट चलते हैं। और यार स्विमिंग पूल होना चाहिए वैसे कॉलेजेस में, इवन यार USIT में भी है लेकिन यहाँ DTU में नहीं है, मतलब यहाँ तो है, बैडमिंटन कोर्ट चलते हैं एक बार। अभी हम लोग आ चुके हैं टॉप फ्लोर पे IIIT दिल्ली के, तो व्यू दिखाता हूँ यार, काफी कमाल का व्यू आ रहा है, मतलब लोटस टेम्पल भी यहाँ से दिख रहा है ना, और जो सनसेट हो रहा है वो भी बहुत अल्टीमेट आ रहा है, तो दिखाता हूँ एक बार आपको। सो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं फाइनली हॉस्टल्स में IIIT दिल्ली के, तो जो आपने पहले देखा वो था टॉप फ्लोर एंड ये है सारे हॉस्टल्स। तो हरमन यार हमें अपने रूम में ले जाएंगे, तो वहाँ देखते हैं कैसा है, तो चलते हैं एक बार रूम में, रूम दिखाता हूँ। और सही में मैं पहले भी आ चुका हूँ, मतलब वीडियो शूट करने से पहले, बहुत अल्टीमेट रूम है, और जो व्यू आता है ना रूम से वो तो भाई साहब ज़बरदस्त है बिल्कुल। तो चलते हैं एक बार। तो गाइज़ अभी हम लोग आ चुके हैं हॉस्टल में, तो और जैसे मैंने आपको बताया हॉस्टल काफ़ी बढ़िया बना रहे हैं, मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा है। तो जान लेते हैं यार कैसा एक्सपीरियंस रहा हरमन का, संदीप का और तालिब का, ठीक है। तो यार हॉस्टल के बारे में मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले, कि सबसे पहले मैं प्राइस की बात करता हूँ कि एक सेमेस्टर में कितने पैसे लगते हैं। तो 28,000 इसकी फ़ीस है पर सेमेस्टर, और मेस का खाने का तुम्हें अलग से देना होता है। मेस का कितना? 2200 है। ओके, पर मंथ? हाँ। और रूम्स की यार अगर क्वालिटी वगैरह देखें तो मतलब काफ़ी अच्छे रूम्स इन्होंने दे रखे हैं, और एसी भी मिल जाता है हमें, समर्स में चलता है, ठीक है, और विंटर्स में क्या है कि ये ब्लोअर चला देते हैं, तो मतलब हीटर भी चलता है सर्दियों में। और जैसे कि यार अभी तुमने सिनेमैटिक शॉट्स में देख लिया होगा, जैसे कि ये पीछे हमारे टेबल वगैरह है ना, तो टेबल्स यहाँ पे मतलब काफ़ी सही है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज काफ़ी सही है, और एकदम न्यू लगता है सब कुछ। यहाँ पे तुम्हें स्टडी टेबल लाइट्स मिल जाएगी, और काफ़ी अच्छा टेबल भी है ना, और ये बेड है यार यहाँ पे, और यहाँ पे एक अलमीरा मिल जाती है सबको। जो सिंगल रूम है वो मेरे ख्याल आप मान के चलो 32 नहीं का उसका अराउंड 5-10,000 ज़्यादा ही है। okay. उसकी एग्जैक्ट प्राइस वीडियो में मतलब नीचे लिख देंगे। तो वो सिंगल रूम का प्राइस है। और यहाँ पे मैं हॉस्टल्स के बारे में एक बार बता देता हूँ, यहाँ पे कौन कौन से हॉस्टल है। एक गर्ल्स हॉस्टल है, ठीक है, वो ओल्ड है, और एक ओल्ड बॉयज़ हॉस्टल है, और जिसमें हम रह रहे हैं वो है H2 सेकेंड न्यू बॉयज़ हॉस्टल, और एक है फर्स्ट H1 न्यू बॉयज़ हॉस्टल। तो बॉयज़ हॉस्टल 3 है, और उनके जो ग्राउंड फ्लोर्स हैं और एक आध फ्लोर उनके अंदर जो है गर्ल्स को भी एलोकेट कर रखा है। सो गाइज अब पूछते हैं संदीप से कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। बेसिकली संदीप यार यूपी से हैं, तो कैसा लग रहा है संदीप, मतलब कॉलेज में एंड हॉस्टल्स में कैसा एक्सपीरियंस रहा यार?
हॉस्टल का एक्सपीरियंस तो काफ़ी ज़्यादा रहता है, मतलब बाद बाकी इतने सारे फ्रेंड्स रहते हैं। वैसे मैं तो यहाँ सैटरडे संडे को अकेला ही पड़ जाता हूँ, यहाँ 85% जनता दिल्ली की है, तो बाहर चली जाती है, और सैटरडे संडे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, अकेले रहना पड़ता है। बाद बाकी तो यार मज़े से काम करते, सारे लोग मिलके असाइनमेंट करते हैं, सारी चीज़ें, ये सारा रहता है। एंड यार आपको बता दूं, अगर आप IIIT दिल्ली लोगे ना तो आपको हॉस्टल ज़रूर मिल जाएगा, है ना। चाहे आप डेलाइट्स हो चाहे बाहर के हो, आपको हॉस्टल ज़रूर मिल जाएगा। एंड आप जानते हैं तालिब से कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। यार आप कहाँ से हो, दिल्ली से ही? हाँ, मैं दिल्ली से ही हूँ। ओके, हाँ, और पकड़ लो पकड़ लो। हाँ हाँ, मैं यहाँ पे मतलब वीकेंड में चले आता हूँ घर पे। हाँ, वहाँ पे काम होता है मेरा, और जैसे असाइनमेंट वगैरह होते हैं तो मैं कर लेता हूँ यहीं पर ही, मतलब यहीं पर ही मैं प्रेफर करता हूँ करना, कि घर पे आते तो असाइनमेंट वगैरह होते नहीं है। या नेट नहीं आता जो हाँ, भी है। नेट की सुविधा भी नहीं है, और अच्छा यहाँ पे मैं ओल्ड हॉस्टल में भी रह चुका हूँ पहले, काफ़ी ओके okay. अच्छा एक्सपीरियंस था वहाँ पे, और न्यू बॉयज़ हॉस्टल में भी रह चुका हूँ। यहाँ पे काफ़ी अच्छे रूम्स हैं, और सर्दियों में यहाँ पे गर्म पानी भी आता है, और काफ़ी बढ़िया है। हाँ तो मतलब 25 या 28 एकर्स है यहाँ का कैंपस साइज। लेकिन यार मतलब आपको सुनने में थोड़ा कम लग रहा होगा, लेकिन यार ऑप्टिमाइजेशन बहुत अल्टीमेट कर रखा है। मतलब जैसे DTU में है कि 2-3 फ्लोर्स बना रखे हैं रूम में, यहाँ पे 10-10 फ्लोर बना रखे हैं, तो उस हिसाब से ऑप्टिमाइजेशन काफ़ी अच्छा है। जैसे आपने मतलब यहाँ पे यार जितना भी कैंपस, जैसे 25 एकड़ है ना, तो तुम कहीं भी हाँ जाओगे बिल्कुल सारी चीज़ एकदम पूरी अच्छे से ऑप्टिमाइज कर रखी है, हाँ ये चीज़ है। एग्जैक्टली और ये जैसे NSIT DTU वगैरह किया है, तो मैंने ऑब्जर्व करा कि यार काफ़ी तो जंगल जैसा है, तो मैं हॉस्टल से लेके हो सकता 1 किलोमीटर चलना पड़ जाए मेन बिल्डिंग तक, हाँ ऐसा बिल्कुल सीन बिल्कुल रहता बिल्कुल। है, तो तो ये यही है, चीज़ मतलब सही है। जैसे DTU वगैरह काफ़ी बड़े एरिया में है, तो वहाँ पे मतलब आपको कैंपस साइज काफ़ी बड़ा मिल जाता है। लेकिन ऐसी बात नहीं, अगर आप IIIT आओगे तो आपको यार फैसिलिटीज सारी मिलेंगी। जो थोड़ा स्पोर्ट्स ग्राउंड है वो हल्का सा छोटा है, बाकी हाँ सारी फैसिलिटीज़ हैं। एंड यार आपको एक चीज़ और बता दो, जो यहाँ पे स्टूडेंट्स की क्वांटिटी है मतलब वो काफ़ी ज़्यादा कम है तो मतलब। यार जैसे कि अभी भाई ने बताया कि स्टूडेंट्स काफ़ी कम हैं, तो एक बहुत ही फैमिली वाली फीलिंग आती है, क्योंकि सारे फैमिलियर फेसेस होते हैं आसपास, तुम सबको जानते हो। मतलब जैसे मैं अगर अपने बैच की बात करूँ, तो मैं ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूँ 60-70% बच्चों को जानता हूँ, है ना। तो काफ़ी अच्छा लगता है यार, तुम जाते हो कैंपस में घूमते हो, और कैंपस ऐसा कभी ना भीड़ भाड़ वाला नहीं लगता, एकदम खाली खाली कैंपस लगता है, तो घूमने में भी अच्छा लगता है ना। और अगर मैं दूसरी बात करूँ कि यार हमने वॉशरूम्स का सिनेमैटिक शॉट भाई ने तुम्हें दिखा दिया होगा, है ना, तो वॉशरूम्स की बात करूँ यार, मैंने जैसे भाई की वीडियोस में देखा NSUT वगैरह का, तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, बट मैं IIT BHU भी गया था, वहाँ पे मेरे को वॉशरूम्स इतने बढ़िया नहीं लगे थे, बट यार यहाँ पे मेरे को काफ़ी सही फील होता है, यहाँ के वॉशरूम्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है। हाँ यहाँ पे गर्म पानी तुम्हें पूरे टाइम मिलेगा, है ना। और लास्ट चीज़ यार, हम एक चीज़ वीडियो में दिखाना भूल गए, जो थी लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी के बारे में भी मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, कि लाइब्रेरी जो है 24/7 खुली रहती है, तो अगर तुम्हें ग्रुप स्टडी करनी है, या तुम्हें अकेले मतलब समझो सेल्फ स्टडी वगैरह करना है, तो तुम वहाँ जा सकते हो, और पूरे टाइम आराम से बैठ के स्टडी कर सकते हो, ठीक है। और बुक इशू करने के लिए कुछ Monday to Friday आई गेस टाइम्स होते हैं, तो उसमें भी तुम कर सकते हो। सो गाइज, अभी तो यार ये था पूरा टूर वगैरह, मतलब हॉस्टल टूर है, सारा टूर करवाया है। अब एक और वीडियो हम लोग शूट कर रहे हैं, जो कि है यार मतलब जिसकी डिमांड आप लोगों ने काफ़ी करी थी, DTU वर्सेस IIIT दिल्ली। तो मैं सही बता दूँ यार, बहुत अल्टीमेट वीडियो होने वाला है, क्योंकि यार जो मेरे मन में भी था यार IIIT के बारे में, वो मतलब गलत था काफ़ी कुछ, मतलब कुछ ज़्यादा ही गलत था। तो अब देखते हैं कैसा रहता, तो आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना। और यार सही में जो NSIT का कैंपस है, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी IIIT का कैंपस, IIIT का। अच्छा NSIT बोल अच्छा सॉरी सॉरी। लिया कोई नहीं कोई और नहीं, आपको बता दूं यार, जो IIIT का कैंपस बना रखा है वो बहुत अच्छा बना रखा है ना। मतलब आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी, काफ़ी ब्यूटीफुल कैंपस है। सो आई होप यार आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। एक चीज़ और बता दूँ, मतलब भाई लोगों को भी चैनल है, चैनल का नाम बताना एक बार यार। चैनल का नाम है यार होस्टल इनसाइडर्स, ओके और शायद हम इसे चेंज करने का सोचें, बट अभी के लिए होस्टल इनसाइडर्स है, तुम्हें लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाके यार चेकआउट कर लेना। हम भी मतलब हाँ वीडियोस बना रहे हैं, और IIIT के सबसे मेन चीज़ है, IIIT के रिगार्डिंग कोई भी कंसर्न हो, कोई भी क्वेश्चन हो, है ना, तो हमें हमारे चैनल पे अगर तुम बताओगे, तो हम उस पर वीडियो भी बना सकते हैं, और हम शायद बेटर तुम्हें आंसर उसका दे सकें, बिकॉज़ हम यहीं पर पढ़ रहे हैं। और और यार अभी मतलब जैसे हरमन भाई और संदीप भाई ने मेरे को बताया कि इनके आगे के प्लान्स वगैरह, तो मेरे को यार जान के काफ़ी अच्छा लगा। अब IIIT में जैसे CS से रिलेटेड ही ब्रांचेज हैं, मतलब जैसे कंप्यूटर साइंस विद सोशल साइंस हो गया, डिज़ाइन हो गया। तो यार अगर आपको एक एक ब्रांच के बारे में अच्छे से जानना है ना, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना यार भाई लोगों का चैनल, ठीक है। आपको IIIT से रिलेटेड, आपको कोडिंग से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस मिल जाएंगे, तो मस्ट सब्सक्राइब द चैनल। चुके हैं अभी, ठीक है, और मैं निकल रहा हूँ IIIT दिल्ली से। तो यार भाई लोग मेरे को छोड़ने आ रहे थे मेट्रो स्टेशन पे, तो यार भाई थैंक यू वेरी मच यार, आप लोगों ने मतलब जो आज
हेल्प कराई है ना, सही में बहुत अल्टीमेट मतलब यार, मतलब भाई से हम लोग को मिले काफी ज्यादा अच्छा लगा यार, काफी ज्यादा खुशी हो रही। भाई का नेचर इतना अच्छा है, काफी कूल टाइप के है और थोड़ा सा शाय नेचर भी है इनका। और यार सीरियसली आज का जो एक्सपीरियंस था मेरे को बहुत अच्छा लगा, ये फर्स्ट कोलैबोरेशन वीडियो था इन मीटिंग मतलब किसी के साथ, सही बात है, तो बहुत मजा आया यार। तो मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, भाई को सब्सक्राइब जरूर करना ठीक है। और यार मैं, मेरे को भी बहुत मजा आया, मतलब मैं बोल नहीं पा रहा यार, वर्ड्स नहीं है। मतलब यार काफी अच्छी खातिरदारी करी हम लोगों ने, काफी चिल भी करा आज, वीडियोस भी बनाई। तो यार एकदम से प्लान बना था IIIT दिल्ली का, और यार जरूर सब्सक्राइब कर लेना यार भाई लोगों के चैनल को, एक से एक कंटेंट मिलने वाला आप लोगों को। तो मिलते हैं आप लोगों को अगली वीडियो में, टिल देन बाय।